हम फिर हाजिर हैं आपके बीच में अपना अनोखा कार्यक्रम पत्रकार वार्ता लेकर। आज हमारे साथ मेहमान के रूप में मौजूद हैं श्री संदीप भट्ट सर। आप माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के खंडवा विस्तार परिसर कर्मवीर विद्यापीठ के प्रभारी हैं। हम आपसे बात करेंगे खंडवा में रोजगार के अवसरों को लेकर, करियर मार्गदर्शन को लेकर। भट्ट साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत शुक्रिया आसिफ जी। हम आपसे बात करने वाले हैं करियर मार्गदर्शन को लेकर जी। आपका लंबा अनुभव रहा है, आप यूनिवर्सिटी के विभिन्न पदों पर आपने इसमें काम भी किया है जी। आप जी। युवाओं से काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए हैं जी। हम जानना चाहेंगे खंडवा में रोजगार के कैसे अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। शुक्रिया आसिफ जी। खंडवा पिछले कुछ सालों में एक एजुकेशन हब के रूप में उभर कर के सामने आया है और करियर के भी बहुत सारे विकल्प, चूँकि हमारे इस निमाड़ के अंचल में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ लाखों युवा जो है पढ़ते हैं 10वीं में, 12वीं में और ग्रेजुएशन के बाद में लेकर के। खंडवा में आज की तारीख में आपके पास 10वीं से लेकर के डॉक्टरेट तक के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस हैं, तो एक करियर हब के रूप में भी खंडवा स्थापित हुआ है। पिछले कुछ दिनों में खंडवा में कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट आए हैं, तो जी, ये जो नए इंस्टीट्यूट आए हैं, लगता है कि ये ज़्यादा अवसर उपलब्ध करा पाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल, पहले क्या होता था आसिफ जी की किसी स्टूडेंट को जब वो 10वीं या 12वीं होता था तो उसको किसी बड़े नगर की तरफ देखना पड़ता था आगे किसी प्रोफेशनल डिग्री को करने के लिए। लेकिन आज की तारीख में ये हुआ है कि खंडवा में एग्रीकल्चर कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आ गया है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, उसके अलावा शहर में दो इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, मीडिया की यूनिवर्सिटी का अपना एक कैंपस है, एक्सक्लूसिव कैंपस, उसके अलावा निजी विश्वविद्यालय भी खंडवा में स्थापित हो चुका है। तो कई तरीके से अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कोर्सेज करने के लिए आज खंडवा और आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को, युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं भागने की जरूरत है। मतलब खंडवा में इंस्टीट्यूट तो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं लेकिन रोजगार के अवसर उतने नहीं मिल पा रहे हैं, ये बार बार फीडबैक में आ रहा है जी। तो जी, इसमें जी, आपको कहाँ लगता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है? देखिए, ये आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर स्टूडेंट और जो युवा लोग हैं वो इस तरह के कॉलेजों से पढ़ करके एक अच्छी डिग्री ले लेते हैं या उनके पास में डिप्लोमा प्रोग्राम्स अच्छे होते हैं, देखिए हर जगह की अपनी रोजगार देने की जो क्षमता है वो बिल्कुल सीमित होती है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी जी, जी, जी। लेकिन जैसे जैसे संस्थान बढ़ते हैं, जैसे जैसे बाजार बढ़ता है, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ते हैं, तो करियर के अवसर भी आते हैं। हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे थर्मल पावर प्लांट है हमारे यहाँ पर है, कुछ सोया इंडस्ट्री के प्लांट हैं, कॉटन की प्रोसेसिंग यहाँ पर जिनिंग मिल्स हैं, उसके अलावा कई बड़े जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, उनके रीजनल ऑफिसेज हैं, निजी बैंक्स हैं, तो आप देखेंगे वहाँ बहुत से लोग बाहर से काम करने वाले भी आते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ ही इन्हीं संस्थानों से पढ़ करके स्किल्ड लोग और स्किल्ड स्टूडेंट और स्किल्ड युवा अगर इन संस्थानों को मिलते हैं तो फिर करियर के अवसर भी उन्हीं के लिए बनेंगे। एक चीज़ और बार बार देखने में आती है कि अच्छी एजुकेशन के लिए लोग यहाँ से बाहर जाते हैं जी, अच्छी जी, नौकरी के लिए भी यहाँ से बाहर जाते हैं। तो अगर अच्छे एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं तो फिर हमारे जो यहाँ के लोकल के एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जी, इनका क्या औचित्य है? और दूसरा ये कि यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं और इसके बाद नौकरी के लिए बाहर जाते हैं जी, जी, तो तब यानी दोनों जो स्थिति विरोधाभास पैदा करती है कि मतलब हम रोजगार की भी बात करते हैं लेकिन यहाँ पर रोजगार करना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। लेकिन देखिए, कहीं से भी आप पढ़ें, रोजगार के लिए आपको कई बार बाहर भी जाना पड़ता है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर हमारे खंडवा शहर के या हमारे निमाड़ के विद्यार्थी पढ़ करके देश दुनिया में अपना नाम, मैं आपको बताऊं, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो खंडवा से ही पढ़े हैं, खंडवा के स्कूल से ही पढ़ा, उसके बाद में उन्होंने प्रदेश के अन्य कॉलेजों से पढ़ करके और आज अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, जर्मनी में जॉब कर रहे हैं, जर्मनी अच्छे पदों पर हैं, बहुत लीडिंग पोजिशन पर हैं, तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। अगर खंडवा का विद्यार्थी खंडवा से पढ़ने के बाद में, इन संस्थानों से पढ़ने के बाद बाहर देश दुनिया में अगर पढ़ने या रोजगार करने जाता है, हायर एजुकेशन लेने भी जाता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसको बिल्कुल जाना चाहिए। एक ये बात भी सामने आती है कि युवाओं का ये कहना रहता है कि लोकल स्तर पर अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पर उन्हें उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना उनको बाहर मिलता है। तो यहाँ पे या तो उसके स्किल डेवलपमेंट वाली बात आ जाती है, उसमें स्किल में या तो कमज़ोर हो गए या अगर अच्छे हैं तो बाहर चले गए, तो इसका कोई उपाय है क्या? हाँ, इसका एक बेहतरीन उपाय ये हो सकता है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग वो करते रहें, यानी कि वो काम जरूर वो पढ़ें। जैसे मान लिया जाए आप जो है हमारे यहाँ से जैसा बच्चा पढ़ता है, मीडिया की यूनिवर्सिटी का कैंपस, माखनलाल यूनिवर्सिटी का हमारे यहाँ पर एक्सक्लूसिव कैंपस है, हमारे यहाँ विद्यार्थी जब BA मास कम्युनिकेशन में या MJ में एडमिशन लेता है तो हम उसको सालाना 1-2 महीने की इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं जहाँ बच्चा तैयार होता है। आज के समय में इस बात की भी आवश्यकता है कि आप जरूर डिग्री करें,
जरूर डिप्लोमा करें, लेकिन डिग्री और डिप्लोमा करते करते ही आप कहीं ना कहीं प्रोफेशनल दुनिया से भी जुड़ें, जो आपका कनेक्ट है एकेडमी और इंडस्ट्री का, जो कनेक्ट है, जो कनेक्शन है ना, उसको बनाने की ज्यादा जरूरत। पढ़ाई के साथ साथ इन सारी चीजों को चलने दिया जाए, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। अगर पढ़ाई के बीच में ही अगर आप इन सभी चीजों से जुड़े हुए रहते हैं तो शायद अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। ये भी होता है कि जब कैंपस सिलेक्शन होते हैं उसके अंदर जो लोग निकल जाते हैं वो तो निकल ही जाते हैं, लेकिन उसमें जो रह जाते हैं वो बाद में उनके लिए क्या स्थितियाँ निर्मित होती है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने देखा होगा कि पिछले दो दिनों पहले हमारे माननीय कुलपति जी खंडवा में आए विश्वविद्यालय के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पत्रकारिता का जो विद्यार्थी पढ़ रहा है अब हम जर्नलिज्म मेंटरशिप कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं। यानी यहाँ पर खंडवा एक मीडिया का भी बड़ा हब है, यहाँ पर दो तीन बड़े राष्ट्रीय अखबार प्रकाशित होते हैं, चैनल्स हैं, आकाशवाणी का केंद्र भी है, कई सारे अनुभवी पत्रकार हमारे में है। तो हम ये करेंगे कि जो जिन पत्रकारों को अच्छा अनुभव है, जो फील्ड में लंबा अनुभव हो गया है, तो उनके अनुभव का लाभ हमारे विद्यार्थियों को भी मिले। एक तो विद्यार्थियों को असाइन करके वो उनके मेंटर बन जाएंगे, इससे होगा ये कि जो विद्यार्थी है वो उनके साथ जुड़ करके फील्ड की बारीकियां भी समझेगा, और जैसे ही वो इंडस्ट्री में जाएगा तो उसको ये ABCD से एकदम नया नहीं होगा, एकदम नया नहीं होगा। तो जिन संस्थान जो संस्थाएं यहाँ पर अकादमिक कोर्स चला रही है उन संस्थाओं को भी थोड़ा इस तरह ध्यान देना पड़ेगा इस तरफ कि वे अपने बच्चों को इंडस्ट्री से कहीं कहीं जोड़े। सही बात है। असल में होता यही है कि हम सारा ज्ञान जो कागजी होता है, सर ने सही बात कही है कि अगर पढ़ रहा है पढ़ते पढ़ते अगर वो उसी कोर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं या उनका जो फील्ड है उसमें जाकर काम करेगा तो ज़्यादा अनुभव होगा, जब वो नए उसके अंदर जाएगा तो नया माहौल नहीं रहेगा उसके लिए, काम करने के लिए एक विशाल उसके सामने मैदान होगा। बिल्कुल। तो ऐसा ही जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज यहाँ पर काम कर रहे हैं, सर चाहते हैं कि वो लोग भी इसी तरह के कुछ प्रयास करें ताकि बच्चों को वहीं से अनुभव मिलना शुरू हो जाए। इसके अलावा सर आप क्या सोचते हैं खंडवा में करियर में और कौन से क्षेत्र हैं, ऑप्शन हैं जिसमें लोग जा सकते हो? देखिए आसिफ जी, एक ज़माना था जब कोई बारहवीं अगर विज्ञान के साथ में करता था, मैथ्स के साथ करता था, तो उसके पास इंजीनियर बनने का विकल्प होता था, या अगर बायो के साथ में करता था तो वो मेडिकल के सेक्टर में जाता था, और जो आर्ट्स पढ़ते थे या कॉमर्स पढ़ते थे वो सिविल सर्विस या बैंकिंग की तैयारी करते थे। आज ज़माना बदल गया पूरी तरीके से। आज आप देखेंगे कि हमारे सामने करियर के ऐसे भी नए सेक्टर्स आए हैं जो अब से 5 साल पहले नहीं थे, और आने वाले 10 सालों में ऐसे करियर्स के ऑप्शंस आएंगे जहां आपको मल्टी स्किल्ड मल्टी टैलेंटेड लोगों की जरूरत पड़ेगी, मल्टी टास्क आदमी की जरूरत पड़ेगी, मल्टी टास्क को करने वाला हो ऐसी जरूरत लगेगी। तो आज जरूरत इस बात की है कि आप BA करें, BSc करें, BCom करें, BE करें, BTech करें, या मैंने तो कई बार इस तरह के भी लोग देखे हैं कि जो चिकित्सकीय पेशे से फिल्म बनाने चले गए, MBBS की डिग्री की और फिल्म बनाने चले गए, कहीं गाने लिखने लग गए, स्क्रिप्ट राइटर बन गए, लिरिसिस्ट बन गए। तो आज की तारीख में आपके पास में ट्रैक कोई एक नहीं है, आपके पास 10 ट्रैक हैं। आपको किस ट्रैक पे जाना है, किस रास्ते पर जाना है, और अगर आप अपनी रुचि के विषय को अपना पेशा बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई बात नहीं। जैसे एक ये भी माना जाता है कि जैसे पत्रकारिता के जो छात्र हैं वो दूसरे क्षेत्रों में नहीं कदम बढ़ाते हैं, जब पत्रकारिता करने के बाद में अगर किसी ने मास कम्युनिकेशन में डिग्री की है तो वो किन किन जगहों पर अप्लाई कर सकता है? देखिए पत्रकारिता का कोर्स कोई करता है तो अमूमन हम ये समझते हैं पत्रकारों की छवि जो होती थी कि साहब एक माइक होगा या एक थैला होगा या एक कलम होगी और डायरी उसके पास होगी। आज की तारीख में पत्रकार की भूमिका बिल्कुल बदल गई है, वो मल्टीमीडिया से लैस है। और दूसरी बात, पत्रकारिता का प्रोग्राम करने के बाद में, पत्रकारिता का पाठ्यक्रम करने के बाद में आपके पास करियर की असीम संभावनाएं हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप मीडिया का कोई कोर्स करते हैं तो आपके पास सरकार में जनसंपर्क विभाग में काम करने का अवसर है, आप कहीं जनसंपर्क अधिकारी बन सकते हैं। उसके अलावा आप केंद्र सरकार की भारतीय सूचना सेवा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सॉरी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज होती हैं, IIAS जिनको हम कहते हैं, तो भारतीय सूचना सेवा को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल गजेटेड ऑफिसर होते हैं। उसके अलावा आप अध्यापन कर सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं, उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में अध्यापन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आज की तारीख में मीडिया लिटरेसी पर सरकारें और दुनिया बहुत जोर दे रही है। तो आप याद रखिए कि देश की तमाम अकादमिक संस्थाओं ने मीडिया के पाठ्यक्रम को स्कूल लेवल पर भी शुरू कर दिया, तो आने वाले वक्त में आपके पास में स्कूल्स में बच्चों को मीडिया विषय पढ़ाने का भी अवसर मिलता है। आप रिसर्च के सेक्टर्स में जा सकते हैं, आप कंसल्टेंसी इंडिपेंडेंट खोल सकते हैं, आप एज ए कंसल्टेंट अपना काम शुरू कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस के सेक्टर में जा सकते हैं, फिल्म और सिनेमा के सेक्टर में जा सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग के सेक्टर में जा सकते हैं। तो एक मल्टी डायमेंशनल फील्ड है पत्रकारिता, इसको सिर्फ पत्रकारिता को सिर्फ पत्रकारिता से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। बड़े ब्रांड में भी मास कम्युनिकेशन करने वाले लोगों के लिए
अवसर उपलब्ध है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे बड़े चैनल्स जो हैं, सारे बड़े जो मीडिया संस्थाएं हैं, पहले ये होता था कि पत्रकारिता करने के लिए किसी एक खास डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन आज आपने कर लिया है, कोई पत्रकारिता का डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो आपके पास एक स्किल आ गई है जो जरूरी स्किल इंडस्ट्री की है। देखिए पत्रकारिता करने के बाद में आप पत्रकारिता ही करेंगे ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपके पास स्किल्स आ जाएगी लिखने की, न्यूज का सेंस आ जाएगा, आपको कैमरा फेसिंग आ जाएगी, आपको टेक्नोलॉजी से रूबरू हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें अगर आपको आ जाती हैं तो आपके लिए करियर के और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं। जिस तरह लॉ करने वाले जो स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए सभी जो बड़े औद्योगिक घराने हैं वहाँ पर काम होता है, जी हाँ जी हाँ। उसी तरह शायद ये भी माना जा रहा है कि जो मास कम्युनिकेशन करने वाले पत्रकारिता में डिग्री लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी बड़े औद्योगिक घराने में काफ़ी स्पेस है काम करने के लिए। बिल्कुल, वो पीआर का काम करते हैं, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का पूरा एक सेक्टर है, जितनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियाँ हैं, चाहे ONGC हो, रिलायंस इंडस्ट्री हो, बड़ी बड़ी सारी इंडस्ट्रीज को अपने कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है। तो जिस व्यक्ति ने जर्नलिज्म पढ़ा है, जिस व्यक्ति ने जर्नलिज्म किया है, जिसको लिखने पढ़ने का शऊर है, तो वो जाकर के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की दुनिया में भी अच्छा कर सकता है। जनसंपर्क सभी देश के जितने भी बड़े मंत्रालय या विभाग हैं सभी के अंदर जनसंपर्क की एक पोस्ट होती है, सभी में जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त होते हैं, उनमें भी इन लोगों की नियुक्ति हो सकती है। इसके अलावा आप और क्या मानते हैं सर कि इसके अलावा युवाओं को और किस फील्ड में जाना चाहिए पढ़ाई के लिए जो उनको आगे ज़्यादा काम आए? देखिए आने वाले समय में जो अभी जो ट्रेंड है बाजार में या जो इंडस्ट्री की मांग है वो जैसे आप IT देख रहे हैं, तो IT में भी पहले ये होता था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जिस व्यक्ति को कंप्यूटिंग आती है, जिस व्यक्ति को कंप्यूटर का ज्ञान है वो व्यक्ति उसमें जाता था। आज कंप्यूटर भी ऐसा हो गया है कि वो सोशल साइंसेज से जुड़ गया है, कंप्यूटर में ऐसे लोगों की डिमांड आ गई है जिन लोगों को पब्लिक की जानकारी हो, मतलब जैसे IT कंपनी गूगल जैसी बड़ी फर्म है या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी फर्म है, जहां जहां जिन देशों में ये फर्म्स काम करती हैं वहां की पब्लिक पॉलिसी क्या है, यानी वहां क्या कंटेंट जाना चाहिए क्या कंटेंट नहीं जाना चाहिए, इस तरह के पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स होते हैं, जिन लोगों को सोसाइटी की जानकारी है वे लोग होते हैं। उसके बाद में जो यूजर हैं इनके, जो लोग किसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यूजर एक्सपीरियंस के रिसर्च के लोग होते हैं। उसके बाद डेटा साइंटिस्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, BA इकोनॉमिक्स या MA इकोनॉमिक्स किया है, तो आप डेटा में काम कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स का काम कर सकते हैं। तो बहुत से काम ऐसे आज की नई दुनिया में आ गए हैं, आज के नए दौर में आ गए हैं, जिस तरफ युवा को मेरे ख्याल से करियर की तरफ देखना चाहिए, जहां वो अपना करियर बना सकता है। आप डिजिटल मीडिया का, डिजिटल मार्केटिंग का एक नया फील्ड है बिल्कुल, जहां आप आज ही मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में एक खबर थी कि एक एयरपोर्ट पर एक लड़का सफाई का काम करता था, और वो सफाई करते करते उसने जो है उसको ध्यान में ये जज्बा था उसके भीतर कि मुझे अपना कुछ काम करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। आज उसका जो है सालाना टर्नओवर 10 करोड़ का, उसने अपना एंटरप्रेन्योरशिप किया। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ आप कुछ नया कर सकते हैं, नया ढूंढें आप जी। स्टार्टअप को लेकर के सर अभी एक नया ट्रेंड चला है जी, नए स्टार्टअप अपने खुद के काम करने को लेकर के प्रधानमंत्री जी भी इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं, तो इसके अंदर नए स्टार्टअप में कौन कौन से काम हो सकते हैं? देखिए आपने ये बहुत अच्छा मौजूद सवाल पूछा है कि स्टार्टअप को लेकर के, चूंकि स्टार्टअप आजकल करियर का एक अच्छा ऑप्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, यानी उद्यमिता करना चाहते हैं, खुद का काम करना, उनको नौकरी नहीं करनी। जी जी, तो बहुत सारे IT ने ये कर दिया है, डिजिटल दुनिया ने ये पॉसिबल कर दिया है कि आप खंडवा में बैठ करके दिल्ली में बिजनेस कर सकते हैं, या दिल्ली में बैठ करके आप दुबई से बिजनेस कर सकते हैं, ये बहुत पॉसिबल सी बात हो गई है, पहले ऐसा नहीं था जी। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, एक घटना मैंने कुछ साल पहले पढ़ी थी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एक लड़के ने MBA का कोर्स किया, और बहुत गरीब पृष्ठभूमि से था, उसकी माँ रेलवे स्टेशन पर इडली बेचा करती थी जी। तो इडली बेचने वाली का बेटा जो है IIM से पढ़ता था, लेकिन जो अच्छे संस्थान होते हैं, मैंने जैसा कि आपसे पहले भी कहा कि अच्छे संस्थान अपने विद्यार्थियों के भीतर अच्छी स्किल्स को भी डेवलप करते हैं, तो वो विद्यार्थी IIM से पढ़ा था, IIM से पढ़ा था, उसके बाद में उस विद्यार्थी ने जब वो पास आउट हुआ वहाँ से, तो नौकरी के कई ऑप्शन आए उसके पास, तो उसका कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ, और IIM के प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उसने नौकरी को न करते हुए, नौकरी को दरकिनार करते हुए उसने अपना काम शुरू किया, और उसने अपना इडली सेंटर खोला। अच्छा। और आज देश में कई शहरों में उसके अपने एक रिटेल चेन है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि देखिए अपना एंटरप्रेन्योरशिप तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और स्टार्टअप जैसे आपको करना है, स्टार्टअप यानी कि आपको कोई एक नया बिजनेस शुरू करना है छोटा सा, है ना, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जब आप किसी बिजनेस को करने जाते हैं तो सबसे पहले आप SWOT एनालिसिस एक होता है, यानी SWOT, स्ट्रेंथ आपकी क्या है,
आपके लिए वीकनेस क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, संभावनाएं कहाँ हैं और थ्रेट्स क्या है, खतरे क्या है, क्योंकि बाजार हमेशा जो है ना स्थिर नहीं होता। आज जिस चीज़ की डिमांड है 5 साल बाद उस चीज़ की डिमांड नहीं होती, 10 साल बाद और खत्म हो जाती है, लेकिन हो सकता है कि 15 साल बाद फिर उसका दौर नई चीज़ें भी उसके नहीं जुड़ती जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इन 4 चीज़ों का जब विश्लेषण कर लेते हैं और उसके बाद जब बाजार में उतरते हैं तो आपकी सक्सेस होने की संभावना ज़्यादा होती है। देखिए स्टार्टअप के मामलों में ये है, स्टार्टअप, आपने एक अच्छा सवाल पूछा है तो मैं आपको बताऊं, लाखों लोग स्टार्टअप की दुनिया में आ रहे हैं लेकिन सैकड़ों लोग और चुनिंदा लोग ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उसके लिए सक्सेस का एक मंत्रा है कि आप जिस भी सेक्टर में जाएँ थोड़ा उसका बुनियादी सीख लें, ABC सीख लें, तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल। तो नए स्टार्टअप में, जैसे खंडवा जैसा छोटा शहर है, तो यहाँ पर नए स्टार्टअप्स में आप क्या देखते हैं कि इन चीज़ों पर नए स्टार्टअप्स हो सकते हैं? देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आप ऑनलाइन किराना डिलीवरी का काम कर सकते हैं, या होम एप्लीकेशन जैसे आपके होते हैं ना, होम आपके घर में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मेड की कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, होम सर्विसेज में आपको कुछ करवाना है, तो आपके इस तरह के आपको एक नया स्टार्टअप बना सकता है। मेरे ख्याल से कुछ बने भी हैं खंडवा में, कुछ अच्छे एप्लीकेशन हैं भी, चल भी रहे हैं। और आप जैसे लोकल ट्रैवल की यहाँ पर बड़ी दिक्कत है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, तो कोई एक ऐसा नया स्टार्टअप बना सकता है जिससे कोई रामनगर में कोई व्यक्ति रहता है और उसको आनंद नगर आना है, तो उसका सस्ता और अफोर्डेबल जो है पब्लिक कम्युनिकेशन कैसे मिल जाए, शेयर्ड व्हीकल उसको कैसे मिल सके, इस पर कोई स्टार्टअप बना सकता है। कोई जो है यहाँ पर जो है जैसे आजकल आपने देखा है कि पेंडेमिक के समय में खासकर स्कूली बच्चों को बड़ी दिक्कतें हुई है, तो कोई ऑनलाइन ट्यूशन का स्टार्टअप बना सकता है। आपने बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप का नाम सुना होगा, लेकिन चूंकि खंडवा का खंडवा में अगर बनता है, खंडवा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 2.5 लाख की आबादी से ज्यादा की आबादी है, 15-20 बड़े अच्छे स्कूल हैं यहाँ पर, यहाँ पर अगर कोई एक स्कूल्स को लेकर के स्कूल एजुकेशन को लेकर के कोई स्टार्टअप बनाता है तो आपके पास हजारों सैकड़ों विद्यार्थी आपको मिल सकते हैं, आपका स्टार्टअप अच्छा चल जाएगा तो आसपास के विद्यार्थी भी आपसे जुड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्यूशन का, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का, हायर एजुकेशन का, इंजीनियरिंग का, लैंग्वेजेस सिखाने का, इस तरह के स्टार्टअप अगर बनाए तो मेरे ख्याल से वो भी चल सकते हैं। ये तो हुई एजुकेशन की बात, बाकी अगर हम दूसरे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और नए स्टार्टअप की बात करते हैं, तो जो पैसा लोगों को आना चाहिए, मतलब जो स्टार्टअप में जो पैसा या पूंजी लगनी चाहिए, वो पूंजी लोग कहाँ से ले सकते हैं? बिल्कुल, हाँ देखिए, बिजनेस शुरू करने के लिए तो आपको पैसा, इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपने सही बिल्कुल कहा। लेकिन क्या होता है कि कुछ स्टार्टअप ऐसे होते हैं कि जिनका मैंने जैसे कहा आपसे कि लाखों लोग नया इनोवेटिव करते हैं और बहुत कम लोग उसमें चल पाते हैं, लेकिन बेसिक इसका जो फंडा है वो क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए, कुछ इनोवेशन होना चाहिए, कुछ नया। आप आज की तारीख में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने स्टार्टअप का जिक्र करते हैं तो मुंबई में बैठे हुए बड़े बड़े उद्योगपति आपको देखते हैं। स्टार्टअप से आप दिल्ली के बैठे हुए किसी एक बड़े एंटरप्रेन्योर से बात कर सकते हैं और अगर उनको स्ट्राइक करके आपका आइडिया तो वो आपके स्टार्टअप में निवेश भी कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं जहां पर आपको बहुत कम लागत, स्टार्टअप की दुनिया ही ऐसी है कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना है, इसीलिए यहाँ नए लोग आ सकते हैं। आप मतलब मैंने एक कई लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ी हैं जिन लोगों ने ट्रैवल पोर्टल, ट्रैवल वेबसाइट, ट्रैवल एप्लीकेशन डेवलप किए, बहुत कम 5-10 हज़ार रुपए में स्टार्टअप शुरू किए और आप देखिए आज करोड़ों रुपए में पहुंच गए। आजकल तो आपको अपनी वेबसाइट बनी बनाई वेबसाइट के टेम्पलेट मिल जाते हैं, वेब होस्टिंग आपको बिल्कुल सस्ते में मिल जाती है, 1,000-1,500-2,000 रुपए में आपको साल भर के लिए वेबसाइट मिल जाती है, वेब होस्टिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। साल भर का समय काफी होता है अपने किसी एक प्रोडक्ट को, और सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको एस्टेब्लिश अगर आप एक बार हो गए, आपका आइडिया स्ट्राइक कर गया लोगों को, लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ होंगे और जब आपकी लोकप्रियता यानी पॉपुलरिटी बढ़ती है तो फिर आपका स्टार्टअप चल पड़ता है, ये इसका बेसिक फंडा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए स्टार्टअप तो करना चाहते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद थक कर हार कर बैठ जाते हैं, मतलब या तो या वो हथियार डाल देते हैं, उसको चालू भाषा में अगर कहें तो ऐसे लोगों के लिए आपके संदेश देना चाहेंगे? देखिए एक चीज़, एक मंत्रा मैं आपको देता हूँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है, आप उसी काम को करें जहाँ आपका दिल लगता हो। अगर आप उस काम को अपने अपनी हॉबी को, अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को अपना करियर बनाएंगे है ना, ये सोच करके न करें कि मुझे साहब ये काम करना मुझे जीने के लिए, आजीविका चलाने के लिए करना है, तो तब तो आप उसको एज ए जॉब लेंगे, लेकिन एज ए इंटरेस्ट अगर आप किसी स्टार्टअप को करेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी उसमें क्रिएटिविटी निखर करके आएगी और उसके सक्सेस होने के रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप हारे नहीं, निराश नहीं हो। और देखिए फेल्योर जो है ना, फेल्योर तो आपको मिल सकती है या कई बार मिलती भी है, लेकिन फेल्योर के लिए डॉक्टर कलाम साहब कहते भी थे कि ये फेल्योर नहीं है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है लर्निंग के लिए।
सीखने का पहला स्टेप है। तो फेलियर को आप जो है ना असफलता को असफलता के बतौर न लें, बल्कि उसको सीखने का एक पहला कदम बनाएं। तो दोबारा उत्साह से आप काम करें, और कई बार चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस को फेस भी करना है आपने, तो उसको करते हुए आगे बढ़े। तो स्टार्टअप तभी चल सकता है जब आप में थोड़ा कुछ करने का जज्बा हो, मादा हो, हुनर हो। कोरोना काल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रोजगार के नए रास्ते तलाशे हैं, तो कोरोना काल के बाद में बहुत सारी संभावनाएं भी दिख रही हैं। जहां जहां बहुत सारी नौकरियां गई हैं वहीं संभावनाएं भी पैदा हुई हैं, तो वो कौन सी संभावनाएं हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं? देखिए, बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें इस कोरोना ने पूरी दुनिया को आसिफ जी बदल के रख दिया है। जी बिल्कुल, काम करने के तरीके बदल गए हैं जी। बेंगलोर में बैठा हुआ नौजवान जो वहाँ आईटी कंपनी में था, अब वो खंडवा में बैठ करके वर्क फ्रॉम होम करता है। बिल्कुल कर रहा है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, सरकारी गैर सरकारी शिक्षक ऐसे हैं जो आजकल मोबाइल से यूट्यूब से पढ़ा रहे हैं जी। उसके अलावा जो इंजीनियर्स थे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जी। तो इस कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया, वर्किंग तो कम से कम बदल गई है जी। लेकिन हाँ, अब जैसे धीरे धीरे जैसे नॉर्मलाइज चीजें होंगी जी, तो काम करने के तरीके बदलेंगे, तो उसके साथ साथ होगा ये कि नए सेक्टर्स भी उभर करके आएंगे, नए तरीके उनमें काम करने के जुड़ेंगे। तो जैसे आप देखें, अभी टूरिज्म आपको करना है, मान लीजिए टूरिज्म एक बड़ा ग्रोइंग सेक्टर होता है, लंबे समय से लोग 7 महीनों से लगभग घर में थे, अब नहीं आएंगे जाएंगे, तो टूरिज्म का काम करने का नया तरीका बदल जाएगा, लोगों के लिए अवसर भी नए आएंगे, नए तरीके से अब काम होगा। अब क्या है कि COVID-19 के नियमों में रहकर के सबको काम करना है, है ना। मैंने आपसे कहा ना कि एनवायरनमेंट को जानने वाले, समझने वाले, लोकेलिटी को जानने और समझने वालों की डिमांड बहुत बढ़ेगी जी। बिल्कुल, अब वही काम कर सकता है जिसको कि इस तरीके की चीजें पता है, जिसको कोविड गाइडलाइंस पता है, जिसको पैंडेमिक में काम करने का अवसर पता है, जिसको ये पता है कि कोई क्राइसिस आ गई तो हाउ टू मैनेज द क्राइसिस जी। बिल्कुल, तो उन लोगों की ज्यादा डिमांड रहने वाली है आने वाले समय में। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, पर्यटन है आपका, ये पूरा डिजिटल मीडिया का सेक्टर है, पूरा आपका एजुकेशन का सेक्टर बहुत तेजी से बूम आएगा इसमें, मतलब आप देखेंगे डिजिटल एजुकेशन की तरफ लोग बहुत तेजी से बढ़ेंगे। बहुत सारे ऐप भी अब तो शायद मार्केट में आ गए हैं जो घर बैठ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके नए तरीके से उन्होंने मार्केटिंग शुरू करी है अपनी, नए तरीके से नए अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं, हालांकि पैसा बहुत लग रहा है उसमें, लेकिन अगर लोकल लेवल पे कोई इस तरह के प्रयास करते हैं और अच्छी चीज़ें देते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं बच्चों को अगर मुहैया करवाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। एजुकेशन के अलावा खंडवा में आपको सर लगता है कोई और ऐसी फील्ड है जिनमें यहाँ पर लोगों के लिए अवसर ज़्यादा उपलब्ध हैं? देखिए, यहाँ पर जो है ना, मतलब खंडवा तो है ही है हमारा, खंडवा भी अपने आप में एक बहुत ही पोटेंशियल जगह है आसिफ जी। मतलब आप समझिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, लगभग 5-7 किलोमीटर में फैला हुआ शहर है, तो यहाँ पर जो सर्विसेज का सेक्टर है, सर्विस सेक्टर काफ़ी तेजी से उभर सकता है। जैसे मतलब होम डिलीवरी सर्विसेज हैं, होम डिलीवरी संबंधित कोई एप्लीकेशन बनाए और कोई इस तरीके से लोकल मार्केटर से कनेक्ट करके बना सके, जिसके पास कंज्यूमर का एक डेटाबेस हो, तो वो बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से इस तरह के स्टार्टअप चल सकते हैं। लेकिन इसके लिए देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो आपका मार्केट का रिसर्च और दूसरी आपकी क्वालिटी सर्विस। दो चीज़ों, किसी भी काम को आप करें, किसी भी काम को आप करेंगे, आप देखिए, मैंने कुछ साल पहले जो है, 3-4 साल पहले एक जो है ऑन डिलीवरी वेजिटेबल सर्विसेज का एक जो है खंडवा में शुरू हुआ था किसी का, मेरे ख्याल से अब वो है या नहीं है, लेकिन ये है कि इस तरह के लोग अगर आते हैं, नए आते हैं, थोड़ा मार्केट रिसर्च के साथ में आते हैं, तो उनके पास में ऑप्शंस ढेर सारे हैं। खंडवा में आपके पास बहुत बड़ी ऑडियंस है, खंडवा बहुत बड़ा मार्केट है, तो अगर इस तरीके से वो करे तो वो बिल्कुल मेरे ख्याल से सक्सेस हो सकता है। एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो किए जा सकते हैं। कोरोना काल में घर में बैठ कर के काम करने के बहुत सारे अवसर सर ने यहाँ पर हमें बताए हैं, इस तरह के बहुत सारे अवसर हैं जिन्हें हम बुनाए सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होगी कि आपको क्वालिटी लेवल पर सर्विस देनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, असल में हम जब क्वालिटी लेवल पे सर्विस देंगे और दूसरा मार्केट रिसर्च के साथ पे काम करेंगे, तब हम ज़्यादा आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो सर आज हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद रहे, करियर मार्गदर्शन को लेकर के बात करी है, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आसिफ जी, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।